शावक कबूतर के संदेह। एक जंगल में एक बड़ा सा नदी था। उस नदी के बाजू में एक पेड़ था। उस पेड़ पे एक कबूतर घोंसला बनाकर रहती थी। कुछ समय बाद उसे एक बच्चा पैदा हुआ। उसे बुद्धि आने पर प्रकृति पूरी विचित्र लगी। उसके साथ रहने वाले पक्षियों के क्रिया भी विचित्र लगे। ऐसे ही पेड़ के नीचे घूम रहे जानवरों के काम उसे अजीब लगने लगे। तब शावक कबूतर को एक संदेह आया। वह किस प्रकार के व्यवहार को पालन करे समझ नहीं पाया। माँ, मैं किससे दोस्ती करूँ, किससे क्या सीखूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फिर मैं करूँ तो क्या करूँ? किसी से भी दोस्ती कर लो, पर सिर्फ उनकी अच्छाई ही सीखो, बोल के सलाह दिया माँ कबूतर। वो कैसे पता चलेगा, बोल के शावक कबूतर ने पलट के पूछा। जल्दी ना कर, वह तुम्हें अनुभव से ही पता चलेगा। माँ की बात ना समझने पर भी उसने सिर हिलाया। अगले दिन ही छोटी कबूतर को पेड़ के नीचे चींटियां दिखे। उन्हें देख नीचे आकर कहा, ये क्या, तुम सब अपने आप जाने के बजाय सारे एकजुट होकर युद्ध की तरह क्यों जा रहे हो, करके संदेह से पूछा। वह हमारे चींटियों का नियम है, हम काना लेकर एक के बाद एक जाके आते हैं और साथ ही टील भी तैयार करते हैं, बोल के कहा एक पुरुष चींटी। खाने के लिए घर जाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करना, देखो तो तुम्हारा पागलपन लगता है, करके हंसकर फिर से पेड़ चढ़ गई। उसके बाद पेड़ के छाल को चुभती हुई आवाज सुनकर शावक कबूतर उस तरफ घुमा। एक पंछी पेड़ पे चढ़कर वही काम की तरह चुभती दिखी। हे हे, क्यों ऐसे तुम्हारे छोंच छुपा रहे हो, करके चिढ़ाते हुए कहा। पेड़ के छाल को चुभकर कीड़े खा रहा हूँ और साथ ही मेरे बच्चों के लिए खाना भी ले रही हूँ, उस पंछी ने कहा। खाने के लिए क्यों इतनी पीड़ा सहना, तुम्हारा काम तो बेकार लगता है, करके हंस पड़ी और उधर से निकल गई। दूसरे दिन पेड़ के ऊपर बैठा हुआ बंदर दिखा और बंदर से दोस्ती करूंगी करके कहा। इससे बंदर ने कहा, तो तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ, तुम्हें मेरे कष्ट दिखाऊंगा, बोल के अपनी पीठ पर बिठा लिया और पास के एक गांव ले गया। उधर बच्चों के हाथों में केले और गुबालों को छीन कर उछल के पेड़ पर बैठ गया। देखो मेरे कारनामे, कितनी आसानी से बिना मेहनत किए खाना ढूंढ लिया, बोलते हुए कबूतर को केले दिए। आहा, अच्छा है, तुम कितनी समझदार हो, बोल के कबूतर खुश हुई। इतने में बंदर के काम देख बच्चे डर के रोने लगे। अब इधर रहना हमारे लिए अच्छा नहीं, चलो, बोल के शावक कबूतर को लेकर बंदर जल्दी से जंगल पहुंच गया। और कुछ दिन बीतने के बाद एक कौवा कबूतर के रहने वाले पेड़ पर आके बैठ गई। प्यारी सी शावक कबूतर को देख के कहा, अगर मुझसे दोस्ती करना है तो मेरे साथ आना पड़ेगा, करके शर्त रखा। शावक कबूतर मानकर कौवे के साथ चल पड़ा। कौवा उड़ता हुआ जाकर फसल पे उड़कर कुछ दाने काते हुए और बहुत दाने जमीन पर गिराता रहा। वही किसान को देख पीछा करते हुए रुलाते हुए शरारत करने लगा। शावक कबूतर को कौवे के कारनामे देख मजा आ रहा था और वह भी बिल्कुल ऐसे ही करने लगी। देख देख के थक जाने वाला किसान उन पर पत्थर फेंका। कौवा तो बच के उड़ गया, पर शावक कबूतर ना बच पाते हुए पत्थर लगकर नीचे गिर पड़ी। भाग्य से उधर से घर लौट के आ रहे माँ कबूतर को अपनी बच्ची मुसीबत में दिखी तो तुरंत चोंच से उठाकर ले गई। लगे हुए गांव पर मलम करके बचा लिया। पूरी बात अपने बच्चे से जानने वाला कबूतर, अब तुम्हें इधर कुछ बातों को समझना होगा। सारे चींटियां मेहनत करने पर पंछी की तरह किसी को भी अपना आहार खुद कमाना होगा। बंदर की तरह गलत काम करने पर कोई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंद बुद्धि के व्यवहार से आखिर में फंस जाओगी।
अब से किसी से भी दोस्ती करने पर उन्हें अपनी आदत बना लो। बुराई जानकर उससे दूर रहो। ये सत्य जानकर तुम्हारी जिंदगी आसान होगी, करके माँ कबूतर ने बच्चे को समझाया। उसके बाद से शावक कबूतर दूसरों से किसे सीखना है जानकर सावधान रहने लगी। इस कहानी की नीति है कि हमें किसी से भी दोस्ती करने पर अच्छाई ही सीखनी चाहिए। भाग राजा या गधा राजा। एक गांव में धोबी के पास एक गधा रहता था। वह हमेशा मालिक से खुश नहीं था। धोबी के इस चार घास चरे के लिए मैं भला क्यों मेहनत करूं? मेरा श्रम और उसका फल, इस भेद को मैं क्यों भुगतूं? सोचकर वह हर दिन रात को अपने आप को छुड़ाकर पास के जंगल में भाग जाता था। जंगल के गधे इस नई आई हुई गधे को संदेह से देखे। पहले किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया, फिर जल्दी उसके बातें सुनकर उधर शामिल हो गए। आगे आगे उस गधे ने उन सब के बीच अपनी पहचान बना ली। एक दिन उन गधों के भीड़ में इस जंगल का राजा कौन है बोलकर पूछा। भाग राजा, बोलकर कहा एक गधे ने। कब से? हमारे दादाओं के जमाने से ही यह भाग राजा के दादा राज्य करते थे, फिर इनके पिता का अधिकार चला और अब उनके बाद ये भाग राजा राज्य कर रहे हैं। यह कितना घोर और सरासर धोखा है। कुछ सोचो, हमेशा भाग जाती राज्य करेगा तो फिर बाकी के जानवरों को राज्य पालन करने का मौका कैसे मिलेगा? इस बार हमारे जात को ही राज्य अधिकार का मौका मिलना चाहिए। उसकी बातों से सारे गधे सोच में पड़ गए। आखिर में वही बूढ़ा गधे ने पूछा, तुम्हारे बात सुनने के लिए तो ठीक है, लेकिन राज्य पालन करने का हमें सामर्थ्य होना चाहिए ना? यह बात सुनते ही वह नई गधा जो उसे चिल्ला कर पीछे के पैर से जमीन पर लात मारी। हमारे भलों को हम ही कम समझ रहे हैं। हम बुद्धि में और बल में किसी से कम नहीं, लेकिन हम बस थोड़ा धीरज रखते हैं। उतना क्यों? मुझे एक बार अधिकार देने को कहो, इस भाग राजा से अच्छा राज्य पालन करूँगा। सारे गधों ने मानते हुए सिर हिलाया। अपने नए नायक गधा राजा की जय जयकार करते हुए नारे बोलने लगे। अगले दिन सारे गधे भाग राजा के पास आए। सब गधों को एक ही बार देखने पर मंत्री लोमड़ी भाग जाता था। क्या बात है? बोलकर भाग राजा गरजने लगे। गरजने पर वे सब डर गए, पर फिर भी कुछ बाहर नहीं दिखाए। गधा राजा, हमारे आने की वजह भाग राजा से कहो, सारे गधों ने कहा। भाग राजा को तो वह सब देख के बहुत ही मजेदार लग रहा था। हवा के झोंके से कोई उड़ पाता है क्या? राज्य का मुकुट सच में कांटों से भरी होती है। उसकी आशा सबको होती है, पर अधिकार का योग्य ना होने पर वह मूर्खता होगी। ऐसे क्यों बोल रहे हो भाग राजा? हमें एक बार अवसर तो दो। हम उसके योग्य है या नहीं आपको ही समझ में आ जाएगा। बोलते हुए गधे राजा ने बहुत ही देर से भाषण देने लगे। बाग राजा को पानी सर से ऊपर तक पहुंच चुका था। गधा राजा अकेला आया होता तो अब तक एक ही पंजा में मार कर कहीं दूर पहुंचा देता। अच्छा ठीक है, आज से इस जंगल के राजा तुम हो। इस जंगल की हजार आंखों से हिफाजत करो। सारे गधे विजय नारे लगाते हुए वापस चल पड़े। गधा राजा को शुभकामनाएं देकर खुशी मनाए। ऐसे कुछ दिन जंगल के राजा के होदे में गधे ने सारे भोगों का अनुभव किया। एक दिन कहीं से हाथियों की भीड़ आकर जंगल में बवाल करने लगे। सारे पेड़ों को नष्ट कर रहे थे। छोटे जानवरों को पैरों से कुचलते हुए शोर मचाते हुए सबके नींद हराम करके छोड़ दिया था। इससे गधा राजा को बहुत गुस्सा आया। अपने सिपाहियों को चौकन्ना किया। एक ही बार सारे हाथियों पर दंड किया, लेकिन हाथियां उनसे नहीं डरे। वे सारे पलट के वार करने लगे, अपनी सूंड से बहुत दूर धक्का देने लगे। इससे बहुत सारे गधे डर के भाग गए।
गधा राजा के भातों से डट के एक हाथी का सामना किया तो उसे गुस्सा आकर गधा राजा को अपनी सूंड से उठाकर कहीं दूर फेंक दिया तो बस गधे का कमर टूटने वाला था। एक क्षण की भी देर ना करते हुए तेजी से बाघ के पास दौड़ता हुआ पहुंचा। बाघ राजा, मेरी बुद्धि ठिकाने लग गई। हम गधे, हमारा वजन उठाने का काम पर्याप्त है, आप बाघ है, आपको ही सबके राजा होने का अधिकार है। अब चलिए, देर करने पर हमारा जंगल नष्ट हो जाएगा, बोलकर हाथियों के बारे में बताया। गधा अपनी गलती जानने पर बाघ राजा हाथियों के भीड़ के पास आकर जोर से गरजा। बस एक ही गरज से सारे हाथी उल्टे पैर वापस लौट गए। इस कहानी की शिक्षा है कि जिसका काम है उसी को करना चाहिए।